स्मॉग में इजाफे पर हाईकोर्ट ने सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में एक हफ्ते के लिए माहौलियाती लॉकडाउन लगाने का अंदिया दे दिया है। तफसीलात के मुताबिक लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने स्मॉग पर काबू न पाने के खिलाफ केस की समाअत की। दौरान समाअत मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मेजर मुबशर, डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात PDMA और माहौलियाती कमीशन के नुमाइंदे पेश हुए। चेयरमैन माहौलियाती कमीशन जस्टिस रिटायर्ड अली अकबर कुरैशी की जानिब से रिपोर्ट अदालत में जमा कराई गई, जिसमें कहा गया कि पंजाब भर के 6,277 भट्टों की इंस्पेक्शन की गई है। माहौल को आलूदा करने वाले 865 भुट्टा मालकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराए गए हैं। 26 भुट्टा मालकान को फौरी गिरफ्तार करवा दिया गया है। आलूदगी का बायस बनने वाले 336 भट्टों को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है, जबकि आलूदगी का बायस बनने वाले भट्टों को 4,78,00,000 के जुर्माने भी किए गए हैं। बोल ब्रीफ्स की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बोल ब्रीफ्स के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।